एक बार हमारे पास भी एक औरत आई थी, कहती बहुत मौलाना साहब ताबीज दे दो। क्यों? क्या मेरा पति मेरा कहना नहीं मानता। हमने कहा क्या चाहती हो कि तुम्हारा शौहर तुम्हारे कहने पे चले, तुम जहां कहो उठे वो उठे, तुम कहो बैठे तो बैठ जाए, क्या चाहती हो तुम्हारा गुलाम बन जाए? तो कहा मौलाना साहब आपने तो मेरे दिल की बात ही छीन ली। देखिए औरतों की प्लानिंग। हमने कहा अच्छा ठीक है चलो तुम्हारा शोहर ऐसा हो जाएगा, तुम क्या चाहती हो? कहा यही चाहती हूँ। हमने कहा नाम बताओ तुम्हारा। कैसा मौलवी है? हमने क्यों क्या हुआ? अरे नाम लूंगी अपने शोहर का। क्यों? अरे नाम लेने से तो तलाक हो जाएगी। हमारे बड़े बड़े मौलाना कहते हैं कि पत्नी को पति का नाम नहीं लेना चाहिए। हमने कहा अच्छा, और हमें उसके मुंह से नाम निकलवाना था। तो मैंने कहा कि अच्छा ऐसी बात है। हमने कहा जब तक तुम नाम नहीं बताओगी तो तुम्हारा पति तुम्हारा गुलाम कैसे बनेगा? ताबीज में नाम लिखा जाएगा तभी तो तुम्हारा पति तुम्हारा गुलाम बनेगा। कहती अच्छा ये बात है कि हाँ। बुलाती अपनी छोटी सी बच्ची को, वहां लला ललो बोलते हैं बरेली में, लड़के को लला लड़की को ललो। ललो इधर आ। हाँ क्या? तेरे पापा का क्या नाम है? बच्ची कहती है रहमतुल्ला। मेरे पापा का नाम रहमतुल्ला। हमने कहा रहमतुल्ला? हाँ 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 हाँ। हमने कहा ये तो रहमतुल्ला बता रही है कि हाँ यही नाम है। हमने कहा क्या नाम है? कहा यही जो बताया बच्ची ने। फिर भी नहीं बोल रही, वो भी बड़ी ढीठ है। तो हमने कहा क्या नाम है? ये बच्ची सही से नहीं बोल रही कि वही बोल रही है। सही है क्या? क्या है बच्ची? रहमतुल्ला। हमने कहा रहमतुल्ला कि हाँ हाँ जो आप बोल रहे हैं वही है। तो हमने कहा ये नाम तो तुम्हें लेना पड़ता है। कभी नहीं लेती हूं। हमने कहा तो इसका मतलब तुम नमाज नहीं पढ़ती हो। कहा नहीं नहीं नमाज पांचों टाइम की पढ़ती हूं। हमने कहा नमाज पढ़ती हूं उसमें तो नाम आता है। कहा नहीं आता है। हमने कहा नमाज पढ़ती हूं तो सलाम नहीं फेरती हो? क्या फेरती हूं? हमने कहा उसमें तो आता है सलाम वालेकुम बरहमतुल्ला। रहमतुल्ला आता है कि नहीं आता है? तो कहती है जब वो नाम आता तो नहीं लेती हूं। तो हमने कहा फिर क्या कहती हो? तो कहती जब वो नाम आता तो मैं कह देती हूँ अस्सलाम वालेकुम ललो के अब्बा। मैं नाम नहीं लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम ललो के अब्बा, अस्सलाम वालेकुम ललो के अब्बा। बताइए ये हाल है। अल्लाह की कसम उस औरत ने ये जुमले कहे हैं, मुझसे कहे कि मैं नाम नहीं लेती हूँ। हमारे मौलवियों ने कहा कि नाम लेंगे तो तलाक हो जाएगी। बताइए लोगों ने ये बता रखा है, जबकि बीवी अपने पति का, बीवी अपने शौहर का नाम ले तो ये सुन्नत है, ये सुन्नत है। देखिए अल्लाह के नबी अपनी बीवी आयशा से कहते हैं आयशा जब तुम नाराज होती हो तो मैं समझ जाता हूं कि तुम मुझसे नाराज हो, और जब तुम मुझसे खुश होती हो तो मैं समझ जाता हूं कि तुम मुझसे खुश हो। हजरत आयशा ने कहा अल्लाह के नबी कैसे? मैं तो कभी जाहिर नहीं होने देती हूं अपनी नाराजगी, फिर आप कैसे समझ जाते हैं? मैं नाराज भी होती हूं तो हम जाहिर नहीं होने देते कि मैं नाराज हूं, फिर आप कैसे समझ जाते हैं? फरमाया आयशा शौहर हूं तुम्हारा, चेहरा पढ़ता हूं, जानता हूं तुम्हें। का नहीं बताइए आप मेरी नाराजगी का पता कैसे लगाते हो? फरमाया आयशा जब तुम मुझसे नाराज होती हो तो कहती हो किसी बात पर इब्राहिम के रब की कसम। क्या कहती हो? नहीं नहीं इब्राहिम के रब की कसम मैंने ऐसा नहीं किया, इब्राहिम के रब की कसम मैंने खाना खा लिया, इब्राहिम के रब की कसम। जब तुम मुझसे नाराज होती हो तो कहती हो इब्राहिम के रब की कसम, और जब तुम मुझसे खुश होती हो तो कहती हो मोहम्मद के रब की कसम, मोहम्मद के रब की कसम मैंने खाना खा लिया। आप दिखाइए अल्लाह के नबी मोहम्मद आपके रब की कसम, मोहम्मद के रब की कसम। आयशा जब तुम मेरा नाम लेती हो तो मैं समझ जाता हूं कि तुम मुझसे खुश हो। आयशा की उम्र कितनी है? 9 साल, और अल्लाह के नबी की उम्र कितनी है? 54, 54 साल। लेकिन मियाँ और बीवी के दरमियान इतनी लंबी उम्र का फासला होने के बावजूद आयशा क्या कह रही है? मोहम्मद के रब की कसम। और अल्लाह के नबी क्या कह रहे हैं? नाम लो। क्या कह रहे हैं? नाम नहीं नहीं लेना चाहिए है? मैं पति हूं। क्या कह रहे हैं? जब तुम मुझसे खुश होती हो तो मैं समझ जाता हूं कि खुश हो, क्योंकि तुम कहती हो मोहम्मद के रब की कसम। यानी बीवी जब नबी जब अपने पति का नाम ले तो ये मोहब्बत की अलामत है, मोहब्बत की अलामत है। मैं तो कहता हूं कि नाम लेना चाहिए, हर औरत को नाम लेना चाहिए। कुछ जाहिल औरतें क्या कहती हैं? बच्चे का नाम है फरीद तो अपने पति को बुलाएंगी, आदमी का नाम है सलीम तो ये सलीम नहीं, ए फरीद के पापा सुनो। और जब तक फरीद नहीं था तब तक क्या कहती थी? शादी तो तेरी सलीम से हुई है ना, फरीद तो 1 साल के बाद आया है ना, 1 साल तक वो क्या था? ए जी ओ जी बस।
कहां तुमने अपने आप को बना लिया, ए जी सुनो, अजी सुनो। और जब बच्चा पैदा हो गया, ए फरीद के पापा, ए नसीम के पापा, ये अजीब सिस्टम है, नाम लो डंके की चोट पर। तो मेरे भाइयों, हजरत फातिमा ने भी क्या कहा था, अरे अली जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मुझे रात की तारीकी में, इशा के बाद मुझे कब्रिस्तान ले जाना दफनाने के लिए, दिन के उजाले में नहीं। फातिमा ने नाम लिया। तो मेरे भाइयों, किसी को पावर नहीं है, अपनी मनपसंद चीज़ों को ले लो और अपनी मनपसंद चीज़ों को छोड़ दो, ये इस्लाम नहीं है। पसंद आए तब भी, ना पसंद आए तब भी लेना पड़ेगा। फजर में कौन उठना चाहता है, कोई उठना चाहता है? सर्दी के दिनों में होंठ से होंठ टकरा, सर्दी लग रही है, ठंडे पानी से वुजू बना रहा, कौन चाहता है कि अपने नरम गरम बिस्तर से उठे, कंबल हटाए, लिहाफ हटाए, रजाई को दूर करे, ठंडे पानी से वुजू बनाए और मस्जिद में जाए? कौन चाहता है? कोई नहीं चाहता, दिल तो नहीं चाहता, लेकिन करना पड़ेगा, चाहे तुम्हारा दिल गवारा करे चाहे न करे, क्योंकि अल्लाह की जन्नत इतनी आसान नहीं है कि बिस्तर पर लेटे रहो तुम उसके लिए उठकर दो रकात नमाज भी न पढ़ सको और उम्मीद रखो कि अल्लाह तुम्हें जन्नत दे दे। तुम्हें नापसंद है लेकिन तुम्हें करना पड़ेगा, इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि ये अल्लाह का हुक्म है, यही इस्लाम है, और इस्लाम तुम्हारी मर्जी पर, हमारी मर्जी पर नहीं चलता। इस्लाम चलता है तो अल्लाह और उसके रसूल की मर्जी पर, अल्लाह और उसके रसूल की नाफिस करदा शरीयत के मुताबिक चलता है। साहबा ने कुर्बानियाँ क्यों दी हैं, अपनी जानें क्यों दी हैं, इसको सोचिए। हमें भी वो कुर्बानियाँ देने की ज़रूरत है। कौन आदमी ऐसा है जो ये चाहता कि अपनी जान दे, लेकिन साहबा जा अल्लाह के रसूल मुझे इस जंग में ले चलिए, मैं चाहता हूँ कि शहीद हो जाऊँ, मैं चाहता हूँ कि जंग लड़ूँ, या तो काफिरों को मारूँ या शहीद कर दिया जाऊँ। अल्लाह के नबी उनको कबूल कर रहे हैं, ले रहे हैं, और वो जा रहे हैं और लड़ रहे हैं और शहीद हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया, शहीद जब कत्ल किया जाता है, उसके खून का पहला कतरा जब ज़मीन पर गिरता है तो अल्लाह उसके सारे गुनाह को माफ़ कर देता है। शहीद कयामत के दिन जब अपनी कब्र से उठेगा तो उन्हीं कपड़ों में उठेगा जिन कपड़ों में वो शहीद हुआ है, और उसी जगह से उसका खून बह रहा होगा, टपक रहा होगा, जिस जगह खंजर, जिस जगह तलवार या जिस जगह गोली लगी है। इस हाल में उठेगा कि उसके जिस्म से खून गिर रहा होगा, अल्लाह ताला उसके जिस्म से गिरते हुए खून को देखकर कहेगा, फरिश्तों इस बंदे का क्या हिसाब लूं, इससे क्या पूछताछ करूं, ये तो मेरे लिए अपनी पूरी जमीन और जायदाद और जान सब कुछ देकर चला आया, इससे क्या मैं पूछूं, इसने तो सब कुछ मेरी राह में कुर्बान कर दिया था, इसने तो अपनी जान तक मेरी राह में दे दी थी, जाओ मैंने इसको बख्श दिया, इसको जन्नत के अंदर दाखिल कर दो, इसको जन्नत के अंदर ले जाओ। फरिश्ते उसको जन्नत में ले जा रहे होंगे, फरिश्ते पूछेंगे, तुम्हारी कोई और तमन्ना है? जन्नत की नियामतों को शहीद देखेगा, जन्नत की नियामतों को शहीद देखेगा। फिर फरिश्ते पूछेंगे, कुछ और चाहे हो? तो फरिश्ते कहेंगे, हाँ एक तमन्ना और है। कहा, क्या है? कहा, है फरिश्तो अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह से कहो मेरी एक तमन्ना यह है कि वो मुझे दुनिया में दोबारा भेज दे, मैं दोबारा जंग करना चाहता हूं, दोबारा काफिरों से लड़ना चाहूंगा, और फिर मैं चाहूंगा कि फिर मैं शहीद हो जाऊं, फिर मैं जन्नत में लाया जाऊं, क्योंकि शहीद का इतना बड़ा इज्जत, इतना बड़ा इकराम कि शहीद जन्नत की नियमतों को देख कर कहेगा, अल्लाह मैं चाहता हूं कि मुझे बार बार दुनिया में भेज, मैं बार बार कत्ल किया जाऊं और बार बार जन्नत में आऊं, और तू बार बार पूछे कि तेरी तमन्ना क्या है, मैं फिर कहूं कि अल्लाह मुझे दुनिया में भेज और मुझे कत्ल किया जाए और फिर मैं जन्नत में आऊं। जरा गौर करो कि शहीदों का इनाम कितना बड़ा होगा, शहीद का इनाम कितना बड़ा होगा कि शहीद जन्नत की नियामत में देखने के बाद भी हटने उसमें है नहीं। फरिश्ते पूछ रहे हैं, कुछ और चाहते हो? अब जन्नत में किसी चीज की कमी तो है नहीं, फिर भी फरिश्ते पूछ रहे हैं, कुछ और चाहते हो? कि हाँ, क्या? दुनिया में दोबारा जाना चाहता हूं, फिर कत्ल होना चाहता हूं, फिर जन्नत में आना चाहता हूं। ये तमन्ना होती है, लेकिन फरिश्ते कहेंगे, नहीं, जो रूह एक बार हमारे पास आ जाती है वो दुनिया में दोबारा लौट कर नहीं जाती, अब तुम्हें दुनिया में दोबारा नहीं भेजा जाएगा। जब शहीद को दुनिया में दोबारा इंसान की शक्ल में नहीं भेजा जा सकता, यहाँ तो बहुत बड़े बड़े बुजुर्गों की रूहें आती हमारे घरों में, शब-ए-बारात के हलवे खाने, खिचड़े खाने,
और पता नहीं क्या क्या करने, बड़े बड़े लोगों की रूहें आती हैं हमारे यहाँ, कहते हैं बुजुर्गों की रूहें आती हैं। मेरे भाइयों, कुरान कहता है जो रूह मेरे पास आ जाती है वो दोबारा लौट कर नहीं जाती। अच्छा एक बात बताइए, दुनिया में थर्ड क्लास की जिंदगी है, आदमी मर गया, अच्छे काम किया है, फिर वो आखिरत में चला गया, बरजख में चला गया, अब वो फिर फर्स्ट क्लास की जिंदगी से कोई थर्ड क्लास की जिंदगी में आएगा? मौलाना जर्जिस बहुत अच्छे नेक अमल किए, अब हम मर गए, अब हम मरने के बाद अल्लाह ने मुझे आला इलीन के अंदर मेरी रूह को दाखिल कर दिया, अब हम दुनिया में दोबारा आना चाहेंगे, उन नेमतों को छोड़कर दुनिया में हम दोबारा आएंगे, फिर फायदा क्या है? दुनिया की थर्ड क्लास की जिंदगी को छोड़कर हम फर्स्ट क्लास में अच्छी जिंदगी में गए हैं, फिर हम दुनिया में क्यों आना चाहेंगे? मेरे भाइयों, जो बुजुर्ग दुनिया की जिंदगी में अमल करके अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, वो अल्लाह के पास से लौट कर दुनिया में दोबारा क्यों आना चाहेंगे? इतनी मोटी सी बात हमारी आपकी अकल में नहीं आती है। मेरे भाइयों, जिस आपके जिकरा गांव के अंदर अगर मुझे पकड़ के मारा जाए, फूसा जाए, अच्छा कमीने पिछले साल तू क्यों नहीं आया था, है बोल, ये अब पकड़ के कोई हमें बांध के मारे, फिर दोबारा हम जिकरा गांव में प्रोग्राम देंगे? कभी नहीं देंगे। एक बार जो आदमी यहां मार खा चुका हो, दोबारा क्यों वो उस गांव में प्रोग्राम देगा? मेरे भाइयों, जो आदमी दुनिया में मुसीबतें बर्दाश्त करके, नेक अमल करके, फजर की नमाजों में सर्दियों में उठकर तकलीफें बर्दाश्त करके उसने अच्छी जिंदगी पाई हो, इल्लीन के अंदर मकाम पाया हो, जन्नत की खिड़की उसके लिए खोल दी गई हो, फिर वो दुनिया में दोबारा उससे कहा जाए चले तो दोबारा क्यों आएगा? फिर हम क्यों जाएं और अमल करें? फिर क्यों हम नमाजें पढ़ने के लिए जाएं? हमें अल्लाह ने जब ये इनाम दे दिया तो हम दुनिया में क्यों जाएं? मेरे भाइयों, फिर वो दुनिया में दोबारा तकलीफ उठाने के लिए क्यों आएगा? इतनी मोटी सी बात हमें और आपको समझना चाहिए। और यही बात हम बड़े प्यार से कहते हैं तो हमारे भाई कहते हैं, ये आ गया मौलवी, जिसने इसकी तकरीर सुनी काफिर, इन दौर से निकलो।